हेलो स्टूडेंट। सो यार, हम लोग जो है इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वैसे कि आप सभी को पता होगा। सो जस्ट तो भी सीयूईटी के रिगार्डिंग जो आपको मिलती है न्यूज एंड खबर, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे। एंड यार, मुझे काफ़ी बहुत बुरा लगता है ऐसी खबरों के रिगार्डिंग कि हमारे जो आपने यार कहानी तो सुनी होगी कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े जो लोग हो, ठीक है, जो भी जाती और भीड़ जा रही होती है ना, सारे के सारे उसी के पीछे टल जाते हैं, राइट। सो क्या होता है ना, कल एक खबर आती है, न्यूज़पेपर वालों के पास कोई कंटेंट तो होता नहीं है, डाल देते हैं कि एक जैसे न्यूज़पेपर है वो डालता है कि आपकी जो जो आपका जो रिजल्ट है सीयूईटी का वो 9 तारीख तक आएगा। पहले तो उसका मैं जस्ट लाइक सॉल्यूशन कर देता हूँ यार। अगर आपकी जैसे सीयूईटी की आज अगर आंसर की आती है, मान लो आज 6 सितंबर है, आज अगर आपके आंसर की आती है, देन जो है आपको कम से कम 2 दिन तो ऑब्जेक्शन के लिए दिए जाएंगे। देन आप ऑब्जेक्शन फीस वगैरह सबमिट करते हैं, ओके। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आते हैं ना, उसके अंदर कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, ठीक है, 1 वीक का टाइम लगता है कम से कम उसके अंदर, ओके। पिछले दिन कोई न्यूज़पेपर कुछ ही डालता है कि भैया आपका एंट्रेंस टेस्ट ये हो सकता है, वो जस्ट न्यूज़पेपर वाले देखते हो माय गॉड है कि यार रेट चल रहा है, वेबसाइट पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं, हम भी बनाते हैं, चलो वो सेम सेम तो नहीं डाल सकते ना, तो वो क्या करेंगे, वो 1 दिन आगे बढ़ाएंगे। हेलो गाइस, तो आपके जो जो आ सकते हैं आपकी जो रिजल्ट है वो 13 को आ सकती है, फिर जो दूसरा न्यूज़पेपर है वो डालता है आपकी जो है वो 14 को मान रहे हैं, तीसरा डालता है लाइकली हम मान रहे हैं कि आज आपकी जो है एंट्रेंस जो आपके आंसर की आने वाली है। उसके बाद जो हमारे यूट्यूबर्स है वो भागते हो एक और न्यूज आइए, ठीक है, तो मैडम जी जो है बोलती है ओहो पीपीटी बनाओ, जल्दी पीपीटी बनाओ, ओहो ओके। सो बच्चों, खबर आ चुकी है, आज आपकी जो आंसर की है वो कभी भी आउट हो सकती है, राइट। बच्चे बेचारे रात तक वेट करते रहते हैं, माय गॉड मैम आंसर की नहीं आई, कमेंट बॉक्स में डालते रहते हैं आंसर की आई नहीं, आंसर की आई नहीं, फाइनली यार आंसर की नहीं आने वाली, ठीक है। तो यार इन सबसे सावधान रहे, स्पेशली ये जो भी न्यूज़पेपर वाले, इनको खुद को नहीं पता कि कब आने वाली है, एनटीए को खुद को नहीं पता कि मैं कब रिलीज करूंगा, तो आप इसका जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। और स्पेशली जो जस्ट लाइक एक मान लो किसी बड़े चैनल ने डाला कि भैया ये खबर आई है जो ये वेबसाइट है नकली, इसके ऊपर जस्ट दे डाला, ठीक है, तो दूसरा यूट्यूबर देखते हो माय गॉड उसके 5,000 व्यूज आ गए, 5 मिनट हो गए, वो जल्दी से जाता है अपने डिजिटल बोर्ड पे बनाता है, हेलो दोस्तों आपकी खबर आ गई है, तीसरा शॉर्ट बनाएगा, ओ माय गॉड स्टूडेंट बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है सीयूईटी के रिगार्डिंग, आपकी जो आंसर की है वो जल्द ही रिलीज होने वाली है। जी हाँ यार, ऐसा ही होता है जनरली, आप जस्ट स्क्रॉल करके देखिए, अभी तक 2-3 अगर यूट्यूब वाले बना देते हैं वीडियो, उसके बाद तो लाइनें लग जाती है, ओ माय गॉड आज आने वाली आपके आंसर की, स्टूडेंट्स जाके देखने लगते हैं, चेकिंग करने लगते हैं, एड्स चलने लगते हैं, गूगल पे वेबसाइटों को फायदा होने लगता है कि हाँ ये आर्टिकल है या आया है इस बार, इस प्रकार से सारा का सारा सीन चल रहा है, लेकिन उसका जो ऑफिशियल प्रूफ किसी के पास नहीं होता। जैसे ही आपकी आंसर की आती है या फिर रिजल्ट आने वाला होता है, उसके रिगार्डिंग जो है ऑफिशियली ट्विटर के ऊपर इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, और जैसे रिजल्ट आता है या फिर आंसर की रिलीज होती है आपको ऑफिशियली बताया जाएगा, स्पेशली ट्विटर जो प्लेटफॉर्म होता है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं यार कि आपके आंसर की आ गई आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप जो है इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, और जो भी स्पेशली वीडियो बनाते हैं भाग भाग के, हेलो हेलो सुविता जल्दी से पीपीटी लगाओ, अरे डिजिटल बोर्ड का पिन लगाओ, जल्दी अपडेट आई है, खबर आई है, न्यूज आई है एनडीटीवी की तरफ से पावर्ड बाई के लिए 360 बेकार वेबसाइट, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यार मैं किसी को प्राण को डैमेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये रियलिटी है कि इस प्रकार से हो रहा है, जो भी एक लोग किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, सारे के सारे उसी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं कि क्या सारा सीन है, वो उसके पीछे का मोटिव नहीं समझ रहे, ठीक है। 6 तारीख को अगर आज आंसर की आती है तो 8 तारीख को रिजल्ट कैसे आ सकता है, आप मुझे बताइए, राइट। तो इस प्रकार से सारा का सारा सीन चलता है। और कुछ स्टूडेंट का ये क्वारी था रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस कि भैया सीयूईटी का पोर्टल्स कब खुलने वाले हैं, तो यार सीयूईटी का जो पोर्टल है आपको जो स्मार्ट पोर्टल ही रहने वाला है बेसिकली, और हर यूनिवर्सिटी के पास उनका अलग अलग पोर्टल रहेगा, और उन पे पास जो जाके हम अपनी अपनी सारी की सारी डिटेल जो है डाल देंगे। अगर अपने यार कट ऑफ की बात करें हर कॉलेजों के लिए, स्पेशली जो टॉप के कॉलेजेस हैं, डी यू के हो गए, बी एच यू हो गया, उसके जो कोर्सेज हो गए स्पेशली जैसे बी एस सी बी ए, ठीक है, बी बी ए हो गया, बी एम एस हो गया, राइट, एंड जस्ट लाइक इनके जो कट ऑफ है स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी बी एच यू वगैरह के लिए, तो आप मान के चलो काफ़ी ज़्यादा जाता है, 90+ इनका रहता है, और डी यू वाले जो कॉलेजेज यार उनका तो 95+ रहने वाला है, आप इसका बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें।
यार काफी जस्ट लाइक स्टूडेंट्स के अंदर जो उत्साह था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। काफी मतलब जस्ट लाइक करेज काफी कम हो गया है सीओटी वाले बच्चों का। जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले जो क्रेज था उतना जो है नहीं दिख पा रहा है। राइट, पहले जो एग्जाम लगते थे वो अदर अदर के लिए होते थे, अदर अदर जस्ट लाइक, लेकिन इस बार जो है एक ही प्लेटफॉर्म हो गया। तो यार इंजीनियरिंग के प्रति उतना ज़्यादा भी नहीं रहा, क्योंकि अब जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स की ओर शिफ्ट होने लगे, और जो स्टार्टअप वाला जो सिस्टम होता है कि भैया हमको तो अपना खुद का ब्रांड बनाना है, अर्थसिंगर ग्रोवर स्टार्टअप इंडिया में जाना है। राइट, सो इस प्रकार से सारा का सारा जो है सीन चल रहा है। तो जैसे आपको पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, और यार मेरे को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।